छुड़वा दीजिए आप, मेरे पास इतने भी निवेदन है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के नीमच जिले से एक हिंसा का मामला सामने आया है, जहां पर मुस्लिम पक्ष द्वारा हिंदुओं के ऊपर पहले पत्थरबाजी की गई, जिसकी वजह से वहां के थाना प्रभारी के पैर में चोट आने की खबर भी सामने आ रही है। जानिए पूरा मामला। यहां पर फूल से एक दरगाह है, वहां पर एक कुछ लोगों द्वारा एक नई हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लोग यहां पर जमा थे और उस बारे में उसमें बहसबाजी जारी थी। उनको कंट्रोल रूम आगे बातचीत के लिए बुलाया गया था। उसमें कुछ न्यूसेंसी जो लड़के हैं, नई उम्र के लड़के, उन्होंने पत्थर वत्थर जो है छोटे मोटे वो फेंके। उसमें कुछ मोटरसाइकिल भी जो आसपास रास्ते में पड़ी थी, वो तीन चार मोटरसाइकिल भी डैमेज हुए हैं। मामला नीमच शहर के कचहरी का है, कचहरी जहाँ पहले अदालत लगा करती थी, जिसे पुरानी अदालत भी कहते हैं। कचहरी में एक छोटा सा मंदिर है, साथ ही एक मजार भी स्थित है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपनी पूजा पाठ करते हैं। उस स्थान पर जो मंदिर है, वो मंदिर हनुमान जी का है, जो एक छोटा सा मंदिर है, जिसके जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर एक बालाजी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी। जिस समय यह पूरा कार्यक्रम चल रहा था, तो उस समय मुस्लिम पक्ष द्वारा यहाँ आकर विवाद शुरू किया गया। मामला बढ़ता देख पुलिस वहां पहुंची। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और दोनों पक्षों को चर्चा करने अपने साथ कंट्रोल रूम ले गया। पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों ने वहां बैठकर बातचीत की, लेकिन बातचीत का कोई फायदा नजर नहीं आया। वहां कुछ उपद्रवी युवक मौजूद थे, जिन्होंने भड़काऊ बातें करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते लगभग रात 8 बजे वहां मुस्लिम पक्ष द्वारा हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। ऐसा नहीं कि ये पहली घटना थी। कचहरी में पास ही एक सामुदायिक वाचनालय है, जिसमें नीमच की जनता पुस्तक पढ़ने जाती है, वहां पर ज्ञान अर्जन करने जाती है। लेकिन ये बात भी जिहादियों को पचती नहीं थी। पहले जिहादियों द्वारा उस वाचनालय को तोड़ने की कोशिश की गई, उसका गेट तोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत लोगों ने कलेक्टर से दी। लोगों ने कलेक्टर को लिखित ज्ञापन सौंपा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन सोता रहा और कल मौका देखते हुए जिहादियों ने इस हरकत को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। अब तो आलम यह भी है कि नीमच जिले के पुलिस प्रशासन द्वारा बेगुनाह हिंदुओं को जेल में डाला जा रहा है, उनको भूखा रखा जा रहा है, उनकी चिंता नहीं की जा रही, साथ ही उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। जरा देखिए, बताइए किस तरह से आपने क्या घटना धर्म हुआ था? हमारे यहाँ अचानक पथरा हुए है। हम जो एरिया में रहते हैं, वो एरिया बहुत मतलब बहुत खतरनाक एरिया है। उन्होंने अचानक पथराव फेंके हमारे ऊपर। मेरे हस्बैंड घर में भी नहीं थे, मैं अकेली थी। मेरे हस्बैंड को उन्होंने रात में बंद कर दिया। उनको छुड़वा दीजिए आप, मेरे पास इतने भी निवेदन है। इनके पति को जबरन उठा के ले गए और ये महिला पूरी नाइट हो गई, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। उन्होंने पूरी रात, अभी हम वहाँ मिलने गए, हमें वहाँ से भागा दिया गया। नाम राजेश योगी है, हमें वहाँ से भागा दिया गया। पुलिस वालों ने हमारे साथ में बदतमीजी बोली है, बाहर से के निकलो यहाँ से, किसी को मिलने नहीं देंगे। हम इतनी दूर में जा रही हूँ, मेरे जाना नहीं है, फिर भी मैं यहाँ तक आई हूँ कलेक्टर साहब को आवेदन देने। प्लीज मेरे हस्बैंड को छुड़वा दीजिए आप। जो सुरक्षा का माहौल जो होने चाहिए, अभी तो तत्कालीन रूप से जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि कल दंगे जैसी स्थिति बनी थी, और उसको सबसे पहले शांत करना ज़रूरी है। इसीलिए काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट में पुलिस भी लगी हुई है और लगातार मजिस्ट्रेट्स भी लगे हुए हैं, और जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी वैसे वैसे शांति भी बहाल होगी। और साथ में जो इन लोगों ने कंप्लेंट्स करी है और अलग से भी जो पुलिस अलग से चिन्हित जो कर रही है, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो दंगे ये उनकी किस तरह से पहचान की जा रही है? काफ़ी सारे फुटेज मिल रहे हैं, CCTV फुटेज मिल रहे हैं, और क्योंकि कई प्राइवेट फुटेज मिल रहे हैं, कई सारे सरकारी कैमरे मिल रहे हैं, वहाँ से फुटेज ले रहे हैं। पुलिस अपने इंटेलिजेंस से पूछताछ कर रही है, तो उससे मिल रहे हैं। आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या प्रयास? इसके लिए तो हम सभी लोग को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों में पुनरावृत्ति ना हो। प्रशासन तो केवल जब ऐसी चीज़ हो जाती है उसके बीच में उसके बाद करता है, मतलब हैंडल करता है सिचुएशन। तो सामाजिक स्थिति से भी इसको थोड़ा सा सब लोग को सजग होना पड़ेगा और इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। और बाकी तो अगर कोई ऐसी चीज़
हमारा एज प्रशासन और पुलिस के साथ में तो ये है कि जो कभी गड़बड़ी हो उसमें सख्त कार्रवाई हम लोग करें। अब ये घटनाक्रम चल ही रहा था कि यहाँ पर राजनीति होना तो लाजमी है और हमेशा की तरह इस बार भी राजनीति चमकाने की कोशिश की मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। जरा उनका ट्वीट देखिए, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जिस स्थान पर बालाजी सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, क्या वहां पर प्रशासन की अनुमति ली गई? क्या वो स्थान सरकारी है? अब अगर देखा जाए जहां पर मजार बनी हुई है, जहां पर मुस्लिम इकट्ठा होते हैं, वो स्थान भी तो शासकीय है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने इस विषय में कोई भी प्रश्न नहीं उठाया। दिग्विजय सिंह को हमेशा हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की आदत है, जो कि इस बार भी उन्होंने वही किया। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।